तो अब हम आगे पाठ पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम देख रहे हैं अभी उभरी हुई मूर्ति, मतलब जिसे हम रिलीफ मूर्ति कहते हैं, वो मूर्ति आज हम देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि रिलीफ यानी उभदार मूर्ति, उभारदार कैसे बनाई जाती है। उभारदार मतलब एक फ्लैट सरफेस होता है, उसके ऊपर उभर कर एम्बॉस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ऐसी मूर्ति कैसे बनाई जाती है ये आज हम देख रहे हैं। ऐसी उभारदार मूर्तियाँ तुमने अपने आसपास के घरों में देखी होगी। इन्हें मिट्टी से बनाने की एक कोशिश हम भी कर देखते हैं, कोशिश करते हैं कि वो मिट्टी से कैसे बनाई जाती है और हमें कैसी बनानी है। पहले एक छोटी मूर्ति बनाते हैं, फिर तुम चाहो तो बड़ी या अपने घर की दीवार पर बनाना चाहो तो बना सकते हो। वो ऐसी उभरी हुई मूर्तियाँ देखो, आप अगर आप कहीं जाते हो तो टाइल के ऊपर बनाई भी जाती हैं, कई जगह म्यूरल जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा आजकल कई सारे संग्रहालय में भी वैसे होते हैं, या फिर गार्डन्स में भी बनाए जाते हैं। तो ऐसी मूर्ति बनाने की आज हम कोशिश करते हैं। पहले हम छोटी मूर्ति बनाते हैं, फिर चाहो तो बढ़िया अपने घर की दीवार पर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। पत्थर या लकड़ी का एक समतल, मतलब 45x45, उसका साइज दिया है उन्होंने सेंटीमीटर में, का एक बड़ा टुकड़ा ले लो। उस पर तैयार मिट्टी से लगभग 3 सेंटीमीटर मोटी और 30 सेंटीमीटर लंबी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी तह जमाओ। तह मतलब यहाँ पर देखो उन्होंने दिखाया है, इसे तह कहा जाता है। ओके, चारों तरफ से ऊपर से भी इसे एक सा कर लो, मतलब ये तह बना लिया आपने तो ऊपर नीचे साइड से हर जगह से उसे मिट्टी से लेप कर एक अच्छा सा स्क्वायर बना लो, टाइल जैसा। इस पर बनाने के लिए ऐसी चीज चुनो जिसमें बहुत ज्यादा गड्ढे या उभार ना हो, क्योंकि इसी से आगे चलकर हम तुम्हें प्लास्टर में सांचा बनाना और सांचे से मूर्ति ढालना बनाएंगे। तब ऐसी रचना होने से आसानी होगी, मतलब एक सिंपल सा पिक्चर आप ले लो, क्योंकि अगर ज्यादा डिफिकल्ट है उसमें उभार उतार चढ़ाव या कोरी उतार जिसे कहा जाता है, वो अगर आप ज्यादा लेते हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। इस बार हम हाथी चुनते हैं। हाथी बिल्कुल सिंपल सा होता है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप हाथी का अगर डिजाइन बनाते हो तो आपको बनाने में आसानी होगी। अब मिट्टी से बनी अपनी प्लेट पर हाथी की उबारदार आकृति बनाते हैं। चाहो तो सींग से हाथी की आकृति प्लेट पर बना लो और फिर मिट्टी लगाना शुरू कर दो। देखो यहाँ पर उन्होंने देखे से बनाई हुई है। मान लो हाथी का यह चित्र तुमने अपनी मिट्टी की प्लेट पर बनाया। इसके पीछे की तरफ वाले जो दो छोटे पैर दिख रहे हैं उसे थोड़ी सी मिट्टी लगाकर उभारो। आगे की तरफ जो सोंड है, लंबे पैर दिख रहे हैं, उन्हें थोड़ी ज्यादा मिट्टी लगाकर उभारो। पेट मतलब ये बीच का हिस्सा जो होता है, जिसे हिंदी में धड़ कहा जाता है, उसे भी पैरों से थोड़ा और ऊंचा बनाओ। चेहरे को पेट से थोड़ा कम पैरों के बराबर उभारो। कान के लिए एक पतली सी मिट्टी की तह जमाकर कान का आकार दे दो। छोटी सी पूंछ भी बना दो। आंख के लिए सींग से छेद कर सकते हो, हल्का सा, बहुत गहरा नहीं, मतलब आंख के लिए जो छेद बनाना है बिल्कुल हल्का, बिल्कुल छोटा सा बनाना है आपको, ज्यादा बड़ा नहीं। अब हाथी के शरीर की गोलाई देना है। यह तुम पुराने चाकू या बांस की चिकनी पट्टी से बना दे सकते हो, मतलब जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं या आपके पास है उससे आप उसे प्रॉपर शेप दे सकते हो। उन्होंने प्रॉपर ये पिक्चर कैसे बनानी है वो दिखाया, मतलब ये बीच वाला जो हिस्सा है वो ज्यादा उभरा हुआ होना चाहिए, पीछे वाले पैर थोड़े से कम, इस पैर से ये उभार ज्यादा होना चाहिए, ये और धड़ मतलब उसका जो सिर है उसका उभार एक जैसा होना चाहिए, और कान जो है वो अलग से बनाकर यहाँ आपको लगाना है। तो इस तरह से उभरा हुआ हाथी जो है आपका बन जाएगा।
अब हाथ थोड़ा गीला करके इन सबको एक सा कर लो, मतलब उसमें जो अगर क्रैक है या फिनिशिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, अपना हाथ जो है वो पानी में डुबो के एक बार फिर से उसके ऊपर अच्छे से सॉफ्ट से आप घुमा सकते हो। 1-2 घंटे इसे गीले कपड़े और पन्नी से ढक कर रख दो। गीला कपड़ा तो मतलब आप तो जानते हो, कपड़े को पानी में डुबो कर उसे गीला करना है। पन्नी मतलब जिसे आप इंग्लिश में कैरी बैग कहते हो या फिर प्लास्टिक कहते हो, उससे आपको ये ढककर रखने हैं। मिट्टी थोड़ी कड़क हो जाएगी, फिर चाकू या बांस से थोड़ा रगड़ कर उसे चिकना कर दो, मतलब उसे फिनिशिंग देना है आपको। जब ये मूर्ति चिकनी हो जाए तो इस पर हल्की सी चमक आ जाएगी। अगर इसे इस तरह से चिकना कर लोगे तो बाद में ढालने में आसानी होगी, मतलब आग जो आप उसका जो मोल्ड बनाओगे, सांचा बनाओगे, तो वो फिनिशिंग अगर अच्छी हो तो अच्छा से हो जाएगा। चाक की मदद से मूर्ति, अगर आप देखो आजकल तो उसके मशीन्स भी बनते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल कुम्भार देखते हो तो वो जो मूर्तियाँ बनाता है वो हमेशा चाक की मदद से ही मूर्ति बनाता है। तो वो भी हम देख रहे हैं कि चाक से मूर्ति कैसे बनाई जाती है। आओ अब देखते हैं कि चाक पर मूर्ति कैसे बनाते हैं। वास्तव में चाक पर पूरी मूर्ति नहीं बन पाती है, सिर्फ कुछ हिस्से ही जो है वो चाक पर बनाए जाते हैं। मूर्ति के कुछ हिस्सों को चाक पर बनाया जाता है। उदाहरण के लिए हम हाथ की बात करें, मतलब हाथ के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर तुमने चाक चलाना सीख लिया है तो मिट्टी के 4 कुल्हड़, 1 दिया, 2 मटके, 2 मटके की साइज उन्होंने कहा ही है, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, वो बना लो। मतलब पहले आप उस चाक के ऊपर क्या क्या बनाना है आपको, मिट्टी के 4 कुल्हड़, 1 दिया, 2 मटके। अब कुल्हड़ को उल्टा करके इस तरह जमाओ कि वे हाथों के पैरों का रूप ले ले, ठीक है? मतलब पहले उसे पैर बना लो। इन पैरों पर बड़ा सा मटका रख कर मिट्टी से जोड़ दो, मतलब उस कुल्हड़ को रखना है उल्टा करके जमाना है, मतलब उल्टा रखना है, उसके ऊपर आप एक मटका रखोगे। छोटे मटके को आगे सिर की जगह रख दो, नीचे से कुछ आधार लगाओ, मतलब ये सब आपको अलग अलग पार्ट में बनाकर इकट्ठा जोड़ने हैं, नहीं तो सिर गिर जाएगा। अब दिए को बीच से काट कर 2 भाग बना लो, मतलब दिया जो है उसे काटना है, उसके 2 हिस्से बनाने हैं। इनसे कान बना लो। गीली मिट्टी लेकर हाथी की सूंड और पूंछ भी बना लो। आंखों की जगह 2 छेद, बड़े छेद छवन्नी के आकार के बना दो। छवन्नी मतलब जो पुराने जमाने में 25 पैसे का एक कॉइन आता था, उसे छवन्नी कहा जाता है। जैसे आज 50 पैसे का होता है या फिर 1 रुपीज का कॉइन होता है, वैसे ही वो होता हुआ करता था, लेकिन 25 पैसे हुए थे हुआ करते थे वो, इसीलिए उसे चवन्नी कहा जाता था। तो उस साइज के आपको हाथी के आंख बनाने हैं। तो उस देखो कितना प्यारा हाथी बनता है। छत्तीसगढ़ के एक इलाके में ऐसे हाथी बहुतायत या मात्रा में बनाए जाते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ एरिया जो है वहां पर ऐसे ही हाथी बनाए जाते हैं। जानते हो खरीददार क्या कीमत देते हैं इसकी? कीमत के रूप में उस हाथी के पेट में धान भरकर एक नई चादर से ढक दिया जाता है। यानी जितना बड़ा हाथी होगा कुम्हार को उतनी ही ज्यादा धान मिलेगा। पहले के जमाने में ऐसे लोगों को, मतलब कुम्हार जो अपने लिए काम करते हैं उन्हें पैसे नहीं दिया करते थे, तो पैसे के बदले उन्हें धान दिया करते थे। जो भी आपके घर में धान हो बनता है वो धान जो है उस मूर्ति के बदले दिया जाता था। आजकल हम पैसे दे के वो खरीदते हैं, पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। मूर्ति तो बना ली, अब अगर उन्हें ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखना चाहो तो पकाना पड़ेगा। मतलब पहले हमने मिट्टी बनाई, मिट्टी की मूर्ति बनाई, लेकिन अगर आप वैसी ही मूर्ति रख देते हो तो कुछ दिनों के बाद वो टूट सकती है, लेकिन अगर उसे आप पकाते हो तो वो जाना ज्यादा दिनों तक
रहती है। तुम्हें कुम्हार को आवा, आवा मतलब जो भट्टी होती है उसे कहा जाता है, लगाते हुए देखा होगा। अपनी बनाई हुई मूर्ति को तुम खुद भी पका सकते हो। कैसे पकाना है यह बात बता रहे हैं। देखो, आपने अगर ये कुम्हार की भट्टी नहीं देखी होगी, कुम्हार का आवा नहीं देखा होगा, तो जो ईंटें बनती हैं, आप अगर एक गांव से दूसरे गांव जाते हो तो रास्ते में कई बार कई जगह जो है आपको ऐसे ईंटें जो होती है वो पकती हुई दिखाई देती है। ऐसे पूरे स्क्वायर में वो लगाई जाती है और उसमें से धूर निकलता है। जब हम वहां से निकलते हैं तो उस समय हमें सिर्फ इतना ही दिखाई देता है, उसे ही आप आवा या भट्टी कह सकते हो। तो हम देखते हैं ये कैसे होती है। पर अगर जगह और साधन का जुगाड़ नहीं कर सकते तो इसे कुम्हार के यहाँ देकर भी पकवा सकते हो। मतलब अगर आपको मुमकिन नहीं है कि आपके यहाँ खाली जगह है, या फिर उसको जो सामान लगता है वो अगर आप अवेलेबल नहीं कर पाते हो, तो आपने अगर बनाई है मूर्ति और आप अपने नजदीक के कुम्हार को देते हो तो वो भी आपको पका कर दे सकता है। कुम्हार अपने मटके, गमले आदि के साथ तुम्हारी मूर्ति भी वहीं पर पका देगा। पकाने के पहले सुखाना होता है मूर्ति को। हम जब पकाते हैं तो उससे पहले क्या होता है, सुखाना पड़ता है मूर्ति को। पकाने के लिए सुखाना पड़ता है। सुखाते समय कुछ सावधानियां रखनी होती है, वरना मूर्ति चटक या टूट सकती है। चटकना मतलब उसे क्रैक जाना होता है। सूखने में समय भी लगता है। जब तुम्हारी मूर्ति बन जाए तो इसे एकदम खुली जगह में मत छोड़ो, पन्नी से ढक कर रख दो। मतलब उसको खुला नहीं छोड़ना है, कैरी बैग से ढक कर रखना है। पर दिन में 3-4 बार 1-2 घंटे के लिए खोल भी दो। मतलब दिन में 3-4 बार थोड़े थोड़े टाइम के लिए आपको उसे खोलना है, ताकि उसे हवा लग सके। यह भी देखते रहना है कि तुम्हारी मूर्ति में दरार तो नहीं पड़ रही है। अगर पड़ रही हो तो उसे बंद करने की कोशिश करो। इस तरह 3-4 दिनों तक सुखाओ। इसके बाद मूर्ति को कपड़े में लपेट दो। धीरे धीरे मूर्ति अपने आप सूखने लगेगी। 2-3 दिन बाद कपड़ा और पन्नी हटा कर देखो। अगर ऊपर की सतह सूख गई है तो अब मूर्ति को खुला छोड़ दो। मतलब ऊपर से अगर वो पूरी तरह से सूख जाती है तो उसमें क्रैक आना जो है वो बंद होता है। जब तुम्हें लगे कि मूर्ति बिल्कुल सूख गई है तो दिन भर के लिए उसे धूप में रख दो। इससे अगर मूर्ति के भीतर थोड़ी भी नमी रह गई हो तो वो पूरी की तपूरा सूख जाएगी। अब मूर्ति पकाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप उसे भट्टी में रख सकते हो। मूर्ति पकाने के लिए ऐसा दिन चुनो जब मौसम बिल्कुल साफ हो और बारिश होने का कोई भी अंदेशा ना हो। भट्टी लगाने के लिए 20 से 25 कंडे, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, सूखी घास, मतलब पैकिंग में काम आने वाला भूसा या पुआल, पुआल मतलब वो बड़ी बड़ी स्ट्रिप या होती है उसे भी कहा जाता है, मिट्टी और एक बाल्टी पानी की जुगाड़ कर लो। अब खुली जमीन पर एक बड़ा गड्ढा खोदो कि जिसमें तुम्हारी मूर्ति आसानी से खड़ी हो सके। मतलब उस साइज का आपको जमीन में गड्ढा खोदना है। यह एक बिलास यानी करीब 1/2 फुट गहरा गड्ढा हो। गड्ढे में कंडे के टुकड़े की एक तह मतलब एक लेयर जो है वो बिछा दो और उस पर अपनी मूर्ति खड़ी कर दो। अब मूर्ति को चारों तरफ से लकड़ी के टुकड़ों तथा कंडों के टुकड़ों से ढक दो। बीच बीच में पुआल भी लगा दो। अब चारों तरफ से बड़े बड़े कंडे लगा दो और ऊपर से पुआल। मिट्टी को पानी में घोल कर गाढ़ा सा घोल बना लो। कंडे मतलब लकड़ी के टुकड़े कहा जाता है, जो होते हैं उसे कंडे कहा जाता है। इस घोल की एक मोटी परत पुआल के ऊपर चढ़ा दो। मतलब पानी और मिट्टी एक साथ घोल कर उस कंडे के ऊपर उसे लिंप देना है। हाँ, 2-3 जगह धुआं निकलने के लिए जगह छोड़ दो। मतलब उसे 2-3 छेद आपको रखने हैं। आग लगा के छेद छोड़ दो। तो इस तरह तुम्हारी भट्टी अब तैयार हो गई है। कागज की एक पुंगी बना लो और उसमें आग लगाकर नीचे वाले छेद से धीरे धीरे अंदर डाल दो।
जब अंदर का पुआल वो कंडे जलने लगे तो उसे छोड़ दो, कंडे धीरे धीरे जलेंगे। अब 5-6 घंटे के लिए इसे भूल जाओ, मतलब छोड़ दो, वो अपने आप धीरे धीरे जलता जाएगा। यह अपने आप धीरे धीरे जलेगा और फिर बुझेगा। तुम इसे बिल्कुल मत छेड़ना, मतलब उसे कुछ हाथ मत लगाना, न जल्दी जलाने या बुझाने की कोई कोशिश करना, वरना ये सब गड़बड़ हो जाएगी। 5-6 घंटे बाद जब भट्टी ठंडी हो जाए तब उसे धीरे धीरे खोलना आप शुरू कर दो। मूर्ति को एकदम उतावली में हाथ मत लगाना, क्योंकि वह मूर्ति कैसी होती है, वह मूर्ति बिल्कुल गर्म होती है। मूर्ति को अपने आप ठंडा होने दो, मतलब वो भट्टी में ठंडी होने तक वैसी की वैसी रहने दो। पानी डालकर ठंडी कभी नहीं करना है, क्योंकि वो मूर्ति टूट जाएगी। तो लो, तुम्हारी मूर्ति अब बिल्कुल तैयार है। अगर इसे संभाल कर रखो तो यह लंबे समय तक रह सकती है। एक और बात, मूर्ति पकने के बाद हल्के लाल रंग की होगी, जैसा मटके का रंग होता है। इसे ज्यादा लाल करना चाहो तो आप उसे गेरू से और लाल कर सकते हो। गेरू जो होता है वो एक ब्राउन कलर का क्ले होता है। वैसे तो तुम अपने मनचाहे रंग ऊपर से लगा सकते हो। इसमें अगर मजेदार बात यह है, ये मूर्तियां पकने के बाद काले रंग की भी हो सकती है, मगर कैसे यह हम तुम्हारे लिए छोड़ते हैं। तुम्हें करके देखो और हमें बताओ, पर ऊपर से काला रंग मत करना। मतलब जैसे लाल रंग की मूर्तियां बनती है मिट्टी से, वैसे ही काले रंग की भी बनती है। लेकिन उन्होंने आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि आप उसे ढूंढो कि मूर्तियां काले रंग की बनती कैसे हैं। उसके ऊपर कलर नहीं लगाना है, तो जब वो पकती है पकने के बाद ही वो काली होनी चाहिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? If you like our videos, do share them and subscribe to our channel. If you want awesome quizzes, write to us. Keep watching and keep learning with Walnut.